गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ जी बेटा, आज हमारा 6th क्लास चैप्टर नंबर 8 है, स्टडी ऑफ एंशियंट हिस्ट्री सोर्सेज। सबसे पहले तो आपको इस चैप्टर का मीनिंग पता होना चाहिए, एंशियंट हिस्ट्री, कि हम किसके बारे में स्टडी करेंगे आज, प्राचीन इतिहास के बारे में, ओके। और उसके सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, उसके साधन क्या क्या थे। इसमें आपको बताया गया है कि प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री के बारे में, प्री हिस्ट्री क्या होती है और हिस्ट्री क्या होती है। प्री हिस्ट्री वो होती है बेटा जिसका हमें कोई भी रिटन रिकॉर्ड नहीं मिलता, और हिस्ट्री वो होती है जिसका हमें रिटन रिकॉर्ड मिलता है। द रिटन रिकॉर्ड्स प्रोवाइड डिटेल्स सच एज डेट्स, नेम ऑफ पीपल एंड प्लेसेस, जिसमें कि हमें लोगों के बारे में पता लगता है कि लोग कहाँ रहते थे, किस डेट को क्या करते थे, प्लेसेस कौन कौन से थे। बट यू मे लाइक टू नो वाई शुड वी स्टडी समथिंग दैट डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर। यू मे इवन थिंक दैट इज़ रेलिवेंट एंड यूजलेस, बट इज़ नॉट सो। इट इज़ वेल सेड दैट हिस्ट्री इज़ अ स्टडी ऑफ पास्ट फॉर अ बेटर फ्यूचर। अब देखो, आप लोग कहोगे कि हम प्राचीन काल को क्यों पढ़ें, कि पुराने समय को पढ़ के हमें क्या बेनिफिट होगा। तो बच्चे, इसमें कि हिस्ट्री इज़ अ स्टडी ऑफ पास्ट फॉर अ बेटर फ्यूचर। देखो, आप अपने पुराने समय से समय के अकॉर्डिंग आप अपना जो फ्यूचर है वो बेटर कर सकते हैं। इफ़ वी वांट टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड आइडियल सोसाइटी इन द टाइम्स टू कम, एंड इफ़ वी वांट टू अचीव फर्दर डेवलपमेंट, वी मस्ट लर्न हाउ वी हैव रीच्ड द प्रेजेंट स्टेट। इससे आप क्या पता कर सकते हो बेटा, देखो जैसे आप अपना पास देखोगे, उस टाइम ये चीज़ें यूज़ होती थी, ठीक है, आप उससे भी ज़्यादा बेटर करने की कोशिश करोगे। इन द बिगिनिंग द मैन लिव्ड, अब जो इंसान था वो स्टार्टिंग में कहाँ पे रहता था और कैसे रहता था। मैन लिव्ड इन केव्स लाइक एनिमल्स, वो गुफाओं में रहता था, और वो अपना जीवन कैसे व्यतीत करता था, एनिमल्स की तरह वो अपना जीवन व्यतीत करता था। ग्रेडली ही लर्न टू बिल्ड हाउसेस, ग्रो फूड, थ्रो एग्रीकल्चर, धीरे धीरे उसने क्या किया, डेवलपमेंट हुई, फिर उसने घर किया, वो भोजन उगाना सीख गया, खेतीबाड़ी करना सीख गया, उसने आग की खोज की, भोजन की खोज की, धीरे धीरे क्या हुआ, वो ट्रांसपोर्ट का भी यूज़ करने लग गया, ठीक है। द स्टोरी ऑफ मैंस डेवलपमेंट इज़ नॉट ओनली इंटरेस्टिंग बट ऑल्सो एजुकेटिव, ठीक है। जो इनकी स्टोरी होती है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो नहीं होती, बट वो हमारी एजुकेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अब है कि हिस्ट्री इज़ द रिटन रिकॉर्ड ऑफ द पास्ट इवेंट्स, इसका हमें रिटन रिकॉर्ड मिलता है पास्ट का। द पर्सन हु राइट हिस्ट्री आर सेड टू बी हिस्टोरियंस, द वर्ड हिस्ट्री कम्स फ्रॉम हिस्टोरिया, अ ग्रीक वर्ड मीनिंग नॉलेज ऑफ पास्ट। देखो, जो हिस्ट्री वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है बच्चे, ये ग्रीक का एक वर्ड है, हिस्टोरिया से लिया गया है। इसका मीनिंग क्या होता है, नॉलेज ऑफ पास्ट, कि इसमें हमें पास्ट की नॉलेज होती है, ठीक है, कि पास्ट के बारे में पता लगता है हमें। हिस्टोरियन इज़ नॉट डिस्क्राइब इवेंट बट ऑल्सो ट्राई टू एक्सप्लेन इट्स रीजन ऑफ हैपनिंग। हेराडोटस, हु फर्स्ट रॉट हिस्ट्री, इज़ नोन एज द फादर ऑफ हिस्ट्री। देखो, जिसने सबसे पहले हिस्ट्री लिखी थी, इतिहास लिखा, उसका नाम क्या था, हेराडोटस। वेयर डिड द मैन लिव इन द एंशियंट पीरियड, आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि जो इंसान था वो कहाँ पे रहता था एंशियंट पीरियड में, तो वो मैंने आपको बता दिया कि वो गुफाओं में रहता था, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। द सेकंड क्वेश्चन दैट यू मे आस्क इज एज टू हाउ डू वी नो अबाउट व्हाट हैपन थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो, कि जो हजारों साल पहले जो भी घटनाएं हुई उसके बारे में हमें कैसे पता लगता है, ठीक है, उसके क्या क्या सोर्सेज मिलते हैं हमें। द मैन लिव्स बिहाइंड हिम नोइंगली और अनोइंगली, सेवरल क्लूज दैट हेल्प अस रिकंस्ट्रक्ट द स्टोरी ऑफ मैनकाइंड, कि हमें ना मतलब काफ़ी ऐसा लगता है कि जो इंसान थे ना वो जानबूझकर या अनजाने में ना इतने सारे क्लूज छोड़ के गए हैं, जिससे कि हमें उनकी स्टोरी के बारे में पता लगता है। और दे आर कॉल्ड सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर हिस्ट्री, और इन्हीं कोई सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन बोला जाता है हिस्ट्री के। फॉर एग्जाम्पल, बुक्स आर रिटन अबाउट सेवरल थिंग्स दैट एग्जिस्ट अराउंड अस, और द इम्पॉर्टेंट पीपल, डिस्कवरीज, साइंसेस एंड सो ऑन, कि देखो हमें बहुत सारे रिटन रिकॉर्ड मिलते हैं, ठीक है ना, बहुत सारी हमें बुक्स मिलती हैं, और हमने जो जो खोज की है, डिस्कवरीज की हैं, तो उसे भी कि लोग ऐसे घरों में रहते थे, ये चीज़ें खाते थे, ये पकाते थे, तो ये हमें मतलब कि इससे हमें पास्ट की नॉलेज भी
देयर आर ओल्ड थिंग्स मटीरियल रिमेन ऑफ द पास्ट दैट ऑल्सो हेल्प अस टू लर्न अबाउट ओल्ड टाइम द रिटन बुक्स आर नोन एज द लिटरेरी सोर्सेज एंड द मटीरियल रिमेन्स आर नोन एज द आर्कोलॉजिकल सोर्सेज. नेक्स्ट है हमारे पास लिटरेरी सोर्सेज. द इम्पॉर्टेंट लिटरेरी सोर्सेज आर द रिलीजियस बुक्स लाइक द वेदास, ब्राह्मण्स, आर्यंस, उपनिषद, सूत्रस, द एपिक्स, द रामायण एंड द महाभारत. ये हमें ग्रंथ मिलते हैं. हमें क्या क्या मिलता है पुराने समय में? वेद मिलते हैं, है ना, कि ब्राह्मणों के बारे में पता लगता है, आर्यंस के, उपनिषद के बारे में, सूत्रस के बारे में. और हमें दो ग्रंथ मिले हैं, रामायण और महाभारत, एंड द पुराण्स, पुराण मिले हैं. द बुद्धिस्ट एंड द जैन्स ऑल्सो रोट मैनी बुक्स. कि देखो बौद्ध धर्म की, जैन धर्म की बहुत सारी बुक्स हमें मिली हैं. तो उससे हमें पता लगता है कि जो उस टाइम के जो लोग थे वो कैसे रहते थे. देयर आर बुक्स रिटन अबाउट द रूल्स एंड द रेगुलेशन ऑफ एंशियंट टाइम कॉल्ड ऑफ धर्मशास्त्र लाइक द मनुस्मृति एज ऑल्सो ऑन द स्टेट एडमिनिस्ट्रेटर लाइक द अर्थशास्त्र रिटन बाय कौटिल्य. अब देखो जो अर्थशास्त्र थी वो किसने लिखी थी? वो कौटिल्य ने लिखी थी, और कौटिल्य को चाणक्य के नाम से भी जाना जाता था. देन देयर आर ड्रामा रिटन बाय द स्कॉलर्स लाइक भाषा, कालिदास एंड मैनी. देखो कालिदास की भी हमें बहुत सारी बुक्स मिलती हैं. द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग ओरिजिनेटेड इन इंडिया. ऐसे हमें बहुत सारी बुक्स के थ्रू पता लगता है कि जो पुराने समय में ये चीज़ें होती थी, ठीक है ना. द टू एपिक्स ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंट इन द वैदिक पीरियड. वैदिक पीरियड में जो दो ग्रंथ थे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे. वो क्या थे? रामायण और महाभारत. इट इज़ सेड दैट रामायण वॉज कम्पोज्ड बाय ऋषि वाल्मीकि. किसने कम्पोज की थी, किसने लिखी थी बेटा? वो लिखी थी ऋषि वाल्मीकि ने. इट कंटेन्स अबाउट 24,000 श्लोक्स. उसमें 24,000 श्लोक्स मिलते हैं. द महाभारत इज अ गिग्नेटिक मास ऑफ कंपोजिशन बाय डाइवर्स ऑथर्स एक्सटेंडेड ओवर मैनी सेंचुरीज. अकॉर्डिंग टू अ जनरल व्यू इट वॉज रिटन बाय ऋषि वेद व्यास. इट वॉज अरेंज इन 18 चैप्टर्स. कि इसके 18 चैप्टर्स हैं. ये ऋषि वेद व्यास द्वारा लिखी गई है. इट कंटेंस मोर देन 1,00,000 श्लोक. इसमें 1,00,000 से भी ज़्यादा श्लोक हमें मिलते हैं. आगे जो आर्कोलॉजिकल सोर्सेज, ये क्या होते हैं? अ पर्सन हु स्टडीड द आर्कोलॉजिकल सोर्सेज इज कॉल्ड एन. जिसमें हमें बच्चे पुराने समय के बारे में जानकारी मिलती है उसको बोला जाता है ये. द आर्कोलॉजिकल सोर्सेज इंक्लूड ओल्ड बिल्डिंग्स, ठीक है, पुरानी बिल्डिंग के पॉटरी, थिंग्स ऑफ एवरी डे यूज, कॉइन्स एंड इंस्क्रिप्शंस. डिस्कवर मैनी ऑफ दिस रिमेन्स बाय डिगिंग एट द, मतलब खोज के जो हमने खोजे किए हैं उसमें हमें बहुत सारे देखो शहर मिले हैं, पुराने बिल्डिंग मिले हैं. तो ये सारी उस चीज़ों को ही हमें पता देता है, ठीक है. आगे है हमारे पास एंशियंट. आगे डिड द आर्कोलॉजिस्ट गेट क्लॉथ्स, ये मतलब कि कौन कौन से इसमें क्लॉथ्स थे वो भी आप इस चैप्टर में देखो. आगे है एंशियंट कॉइन्स. अब देखो जो कॉइन्स थे, सिक्के थे, द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज नोन एज न्यूमिस्ट्रोलॉजी, ठीक है, इसको ये बोला जाता था. इन द पास्ट कॉइन्स वर मेड ऑफ, जो पास्ट के कॉइन्स थे वो किससे बने हुए थे? देखो कुछ कॉपर के, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, ऐसे सिक्के होते थे. कुछ सिक्कों के ऊपर राजाओं महाराजाओं की पिक्चर छपी होती थी, कुछ के ऊपर कोई भी एनिमल का सिंबल वगैरह होता था, या कुछ भी रिलीजियस टाइप धर्म के अकॉर्डिंग भी बना देते थे. सिक्कों के ऊपर डेट होती थी, ठीक है. ऑल दिस इन्फॉर्मेशन हेल्प अस टू लर्न अबाउट द किंग्स, देयर डायनेटिस एंड रिलीजियस बिलीव्स ऑफ द पास्ट. और कॉइन्स आर प्रीमेली यूज फॉर सेल एंड परचेस. कि जो ये कॉइन्स थे, जैसे आज के टाइम में भी हम अगर पैसे देते हैं तो फिर बदले में हम कोई चीज़ ले लेते हैं, उस टाइम में भी ऐसे होता था. डू यू नो विच मेटल्स आर यूज टू मेक कॉइन्स. क्या आप जानते हैं कि ये किससे बने होते थे? वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. लीड, कॉपर, ब्रॉन्ज से बने होते थे. मोनूमेंट क्या होते हैं? मोनूमेंट होते हैं बच्चे स्मारक. अ स्टडी ऑफ मोनूमेंट प्रोवाइड्स वैल्यूएबल हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन. इन डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री वी कैन सी पिलर्स, फोर्ट्स एंड प्लेस इस बिल्ट हंड्रेड्स ऑफ ईयर. देखो हमने कई सौ सौ साल पुराने क्या देखे हैं, इसमें पिल्लर्स देखे हैं, ठीक है, रेड फोर्ट देखे हैं. उसमें से एक सांची का स्तूप है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और का पिल्लर है वो. एंड रिमेन्स ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी आर सम ऑफ द एंशियंट इंडियन मोनूमेंट. नालंदा यूनिवर्सिटी में सबसे प्राचीन मोनूमेंट कौन सा है? सांची का स्तूप है, अशोक का पिल्लर है. आगे आ जाओ इंस्क्रिप्शंस. जब कोई हार्ड चीज़ के ऊपर कोई भी मतलब कि कुछ लिखा हो, इंस्क्रिप्शंस रिटन ऑन द स्टोन पिलर्स, जैसे कि बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर, रॉक्स के ऊपर, कॉपर प्लेट्स के ऊपर जब कुछ लिखा होता है,
ठीक है, कि द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस इज कॉल्ड एपिग्राफी कहा जाता है इसको। दे रिकॉर्ड इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ द टाइम व्हेन दे वर रिटन, फॉर एग्जांपल ऑफ फेमस किंग अशोक गॉट हिज मैसेज ऑफ वेलफेयर फॉलोअर्स स्टोन पिलर्स। जो अशोक था उसने ना अपने मैसेज को ना पिलर स्टोन पिलर पत्थरों के ऊपर लिखवाया हुआ था, ताकि आते जाते वाले जो लोग आने जाने वाले लोग भी उसको पढ़ें और अपने जीवन में उन चीज़ों को उतारें। उसने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखवाई हुई थी उन पत्थर्स के ऊपर। सम किंग्स लाइक समुद्र गुप्ता, स्कंदर गुप्ता एंड अदर गॉट देयर अचीवमेंट इन ग्रेव्ड ऑन स्टोन पिलर्स। कि समुद्र गुप्त द्वारा भी काफ़ी कुछ लिखा हुआ था इन स्टोन पिलर्स के ऊपर एंशियंट टाइम में। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स मिलते हैं हमें यहाँ पर। ठीक है बेटा, तो आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। कैन यू टेल द मेरिट्स एंड इन डिस्क्रिप्शन ऑन द हार्ड लेयर विच प्रॉब्लम्स आर फेस्ड वाइल डूइंग दिस। के आगे आपने ये खुद इसका फाइंड करना है, ठीक है, और पॉइंट्स टू रिमेंबर अच्छी तरह से आपने पढ़ने हैं। कि हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ पास्ट, कि जो हिस्ट्री है इतिहास है वो किसकी स्टडी है, पास्ट के बारे में हम पढ़ते हैं। टेल अस हाउ मैन लिव्ड फ्रॉम द बिगिनिंग एंड हाउ आवर सिविलाइजेशन डेवलप्ड विद पैसेज ऑफ टाइम। कि ये हमें पिछले लोगों के बारे में बताते हैं कि लोग कैसे रहते थे, उनकी सभ्यता कैसे थी। द पीरियड फॉर विच वी हैव टू रिटन रिकॉर्ड्स इज कॉल्ड प्री हिस्ट्री। जिसका कोई भी रिटन रिकॉर्ड नहीं मिलता वो प्री हिस्ट्री कहलाती है, और जिसका रिटन रिकॉर्ड मिलता है वो हिस्ट्री कहलाती है। हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ पास्ट फॉर अ बेटर फ्यूचर। हमें क्यों पढ़नी चाहिए हिस्ट्री, क्योंकि अपने फ्यूचर को हम बेटर कर सकें। द पर्सन हु राइट हिस्ट्री आर नोन एज हिस्टोरियंस, कि जिसने ये लिखी थी उसको इतिहासकार कहा जाता है। वी कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द पास्ट फ्रॉम द स्टडी ऑफ आर्कियोलॉजी एंशियंट कॉइंस। ठीक है, अब इसमें आपने पढ़ा है कि पुराने सिक्के के बारे में पढ़ा है, स्मारकों के बारे में पढ़ लिया है, और पत्थरों के ऊपर कैसे लिखते थे। आगे आपने देखो इसके क्वेश्चन आंसर देखने हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम्स और ट्रू फॉल्स। अब जो भी आपको मैंने चैप्टर समझाया है ये सब कुछ इसी में से ही आपको मिल जाएगा। ओके बेटा, थैंक यू।